सोलन के अर्की उपमंडल के तहत गांव खाली में रहने वाली श्यामलाल के घर में अचानक से आग लग गई, जिससे जल्द ही दमकल विभाग ने काबू कर लिया। आग लगने से नुकसान कुछ हजारों में हुआ है, जबकि लाखों रुपए की संपत्ति को नुकसान से बचा लिया गया है। जानकारी के अनुसार सोलन के उपमंडल अर्की के तहत गांव खाली निवासी श्यामलाल के घर की छत में अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना तुरंत दमकल विभाग अर्की को दी गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन केंद्र अर्की के प्रभारी भूपेंद्र ठाकुर अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में आग से बेहद कम नुकसान हुआ है, जबकि लाखों रुपए के आसपास की संपत्ति को बचा लिया गया। लेकिन गनीमत यह रही कि इस घटना में घर के दूसरे कमरे तक आग नहीं पहुंच पाई, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मौके पर पहुंचे फायर इंचार्ज भूपेंद्र ठाकुर ने बताया कि आग की सूचना गांव से फोन द्वारा दी गई। सूचना मिलते ही वह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों और फायर कर्मियों की सहायता से आग पर तुरंत काबू पा लिया गया। उन्होंने बताया कि इस आग से कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, परंतु घर में कमरे में रखा कुछ सामान जलकर राख हो गया है। सूचना मिली वैसे ही हम जो है गाड़ी सहित फायर टीम सहित जो है घटना स्थल के लिए रवाना हुए और हमने बिना गवाए हुए टाइम से टाइम पर आग पर काबू पा लिया और टाइम से आग पर घटना स्थल पर पहुंच गए। और घटना स्थल पर जाकर हमने तुरंत अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। हमारी टीम सहित जो है पूर्ण रूप से आग को पूर्ण रूप से बुझाया गया। बताया जा रहा है कि आग लेंटर पर रखे जलते हमाम की चिंगारी से कच्चे मकान की एक कड़ी में जा लगी और देखते ही देखते अन्य लकड़ियों ने भी आग पकड़ ली, जिसके कारण उस कमरे के अंदर रखा सामान जल गया। ये घटना बहुत बड़ा रूप ले सकती थी, क्योंकि साथ ही रसोई घर तथा वहां पर रखा हुआ सिलेंडर भी था।